नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक एम्पलीफायर बोर्ड में, जैसे कि मार्केट में बिकता है 20-30 का जो बोर्ड होता है, उसमें वॉल्यूम को कैसे लगाया जाता है। तो मान लो दोस्तों एक एम्पलीफायर बोर्ड है और इसका ये तीन कनेक्शन है, एक एल ऑडियो, एक आर ऑडियो और एक ग्राउंड। दोस्तों आपको जो आपकी जो एम्पलीफायर बोर्ड है उसमें आपको ये तीन कनेक्शन आपको पहले से निकाल लेना होगा या फिर आपको जानना होगा ये तीन कनेक्शन कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 पिन वाला ये वॉल्यूम है, आगे 3 है पीछे 3 है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर 6 स्केच कर लिया हूँ, 6 पिन की, 1 2 3 4 5 6। और दोस्तों ये एक 3.5 mm जैक का भी मैंने स्केच किया है क्योंकि इसे भी चाहिए ऑडियो ऑडियो को इनपुट देने के लिए। ये है ग्राउंड वाला पिन, ये जो तार है ये ग्राउंड वाला पिन है, और इन दोनों में से एल कोई भी हो सकता है और आर कोई भी हो सकता है। दोस्तों ये जो ग्राउंड पिन है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ग्राउंड पिन है, इस ग्राउंड पिन को लाके हम यहाँ पे लगा देंगे और ये जो पिन है इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे ऐसे करके। तो ये आ गया हमारा ग्राउंड पिन। अब ये दो जो रहता है, एक को हम लाके यहां पर जोड़ देंगे और दूसरा जो है दूसरा को लाके यहां पर जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये हमारा ऑडियो इनपुट हो गया, अब यहां से जाएगा इस एम्पलीफायर बोर्ड में। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना होगा, ये दो जो पॉइंट है इनमें से एक जाएगी इस तरह से यहां पर बोर्ड पर और दूसरा जाएगी यहां से। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां से निकाल के जाएगी इस तरह से यहां पर। अब ये जो ग्राउंड है यहां से भी एक ग्राउंड पिन जाएगी बोर्ड पर, एम्पलीफायर बोर्ड पे। तो हो गया दोस्तों आपकी वॉल्यूम का कनेक्शन। वॉल्यूम को आपको ऐसे करके पकड़ना है, ये जो पॉइंट है, ये दो जो पॉइंट है, ये दो जो पॉइंट है, यहां पर आएगा ग्राउंड पिन, ठीक है, यहां पर आएगा ग्राउंड पिन। और इस तरफ का जो दो है, एक और दो, यहां पर आएगा ये दो पिन, एक आएगा यहां पर और दूसरा आएगा यहां पर। और ये जो बीज वाला है, इसका मतलब ये जो बीज वाला है ये बीज वाला जाएगा यहां पर एक और यहां पर एक। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।